चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। कुछ कंसेप्ट बूस्टर की बात करेंगे, देखेंगे क्या कुछ सीखा आप लोगों ने इसमें, इस चैप्टर में। वन मार्क क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, अ मेटेलिक वायर इज स्टेशनरी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मेटेलिक वायर है और वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी है, रुकी हुई है। बताइए ईएमएफ इंड्यूस कॉइल में कितना होगा? बोलो। एक मेटेलिक वायर है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रुकी हुई है, तो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा? फील्ड तो है भाई, कैसे बोल दिया फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। बताइए ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा? यार इतना इजी सवाल है, दो दिन से पढ़ रहे हो। वेरी होगा सर। अच्छा वेरी होगा, बढ़ेगा घटेगा? अच्छा 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 और बोलो भाई, आर्यन का कहना है कि ईएमएफ बढ़ेगा घटेगा? सर जीरो होगा। जीरो कहना है हंशिका का। और आंसर बताइए, और कोई बच्चा कोई और गैस? हाँ भाई निशांत बोलो, बढ़ेगा? अच्छा बढ़ेगा भी घटेगा भी, अच्छा ठीक है। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रखी हुई है, उससे जाने वाला ईएमएफ कितना होगा? जय मैं हर बार नहीं बोलूँगा बेटा, तुम अलग से आंसर दो, या तो कम से कम यही बोल दो कि नहीं पता। जय यस सर। बोलो, नहीं पता है तो मना कर दो कि नहीं पता, बट कुछ ना कुछ जरूर बोलो। सर नहीं पता। नहीं पता, देखिए अब आप समझिए भाई। पढ़ो आंसर हंशिका। नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एज देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। बिल्कुल सही बात है, कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस विल बी जीरो। क्या बताया था, ईएमएफ किस पर डिपेंड करता, फ्लक्स के जाने पर या फ्लक्स के बदलने पर? अब जब क्वाइल रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो जितना फ्लक्स जा रहा है वो जाता रहेगा। पहले भी 5 वेबर था, बाद में भी 5 वेबर रहेगा, तो रहन दो ना। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से क्या मतलब है? नॉन यूनिफॉर्म का डायग्राम कैसे बनता है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऐसा होगा फ्लक्स, ये मान लो ये क्वाइल है, ये क्वाइल है। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस क्राउडिंग करती जाएंगी, ये देखो ये नॉन यूनिफॉर्म ही तो कहलाता है, क्योंकि फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे फील्ड कम है। अब कॉइल रुकी हुई है तो फर्स्ट अमाउंट में देखो कितनी लाइन पास हो रही है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 लाइन्स हैं। ऑब्वियसली तो कह रहा कॉइल रुकी हुई है, स्टेशनरी यानी रुकी हुई कॉइल है, तो पहला भी फ्लक्स है इतना, अब रुकी हुई है तो दूसरा फ्लक्स भी कितना हो गया, 5 वेबर। तो नाउ फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ का? दैट इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन फ्लक्स इक्वल टू बाद वाला फ्लक्स माइनस पहले वाला फ्लक्स, और चेंज इन टाइम मतलब जितना टाइम हुआ हो टी लिख दो, 5 में से 5 गए कितना हुआ, 0। आंसर नो ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों समझ में आ गया? सो ईएमएफ कितना रहेगा, 0 रहेगा, कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। वेरी गुड बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, फिर भी आप लोग दिमाग लगा के अगर बता सको तो बताओ, दिमाग लगा करके अगर बता सकते हो तो बता, दिमाग थोड़ा सा अगर दौड़ा लो तो शायद बता पाओ। व्हाई डज अ मैग्नेटिक पीस बिकम्स वेरी हॉट व्हेन इट इज सराउंडेड बाय ए क्वाइल कैरिंग हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटिंग करंट? व्हाई डज मेटेलिक पीस बिकम वेरी हॉट व्हेन इट सराउंड विद ए क्वाइल कैरिंग हाई फ्रिक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट? बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है एक तुम्हारे पास बड़ी सी क्वाइल है, ये देखो इतनी बड़ी क्वाइल, ये क्वाइल है, और इसके साथ तुमने बदलने वाला ईएमएफ लगा दिया है, एसी ईएमएफ। एसी ईएमएफ मतलब जो बार बार जीरो से हीरो, हीरो से जीरो हो रहा है, जीरो से हीरो, हीरो से जीरो हो रहा है, और इसके बीच में तुमने एक मेटेलिक पीस रख दिया है।
ये मेटेलिक पीस थोड़े देर के बाद बहुत गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, रेड हॉट, अंगार जैसा हॉट हो जाएगा। बताओ ये क्यों हो जाएगा, वाई क्यों हो जाएगा, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी कि हो जाएगा ये? सर वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला अल्टरनेटिंग करंट है, तो सर उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा। वेरी गुड। उससे क्या होगा? सर उस पे हीट इंड्यूस होगा फिर। और रिलेट करो भाई, देखिए फ्लक्स से हीट हीट डायरेक्टली मत जाओ, आप कह सही रहे हो बट उसको थोड़ा सा रिलेट करने की ज़रूरत है। अब आप देखिए होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर ESEL में EMF लगा हुआ है, मतलब करंट जो है बार बार जीरो से हीरो और हीरो से जीरो होगी, मतलब करंट जब बदलेगी तो फ्लक्स भी जीरो से हीरो और हीरो से जीरो फ्लक्स भी बदलेगा। वही बदलता हुआ फ्लक्स इस पूरी कॉइल के अंदर जाएगा, और उसी कॉइल के अंदर क्या रखा हुआ है, लोहे का पीस रखा हुआ है। तो जब वो फ्लक्स उससे जाएगा तो इस लोहे के पीस से भी तो जाएगा, तो ये जो लोहे का पीस रखा हुआ है ये अगर बदलते हुए फ्लक्स को, बहुत तेज़ी से बदलते हुए फ्लक्स को अगर ये झेलेगा तो इस पीस में क्या डेवलप हो जाएगा, ईएमएफ। क्या डेवलप हो जाएगा? ईएमएफ प्लस और कहीं ना कहीं माइनस हो जाएगा, और इसमें अपने आप ही एक करंट सर्कुलेट हो जाएगी इसी पीस के अंदर, क्योंकि क्योंकि प्लस माइनस है और सर्कुलेटिंग पाथ है, क्लोज्ड पाथ है। तो मैंने कहा था कि अगर पोलैरिटी को, ईएमएफ को अगर बंद रास्ता मिल जाए तो क्या दौड़ जाएगी, करंट दौड़ जाएगी। तो ये करंट दौड़ जाएगी इस पाथ के अंदर, ऐसी करंट को बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, क्या बोलते हैं? एडी करंट। बाहर से क्या चीज़ें आ रही हैं भाई? फ्लक्स ही आ रहा है, फ्लक्स का बदलना है, वही फ्लक्स तो बदलेगा इससे, इसी पीस से, मेटेलिक पीस से जाने वाला फ्लक्स बदलेगा, और उसी बदलते हुए फ्लक्स के कारण क्या डेवलप हो जाएगी, एडी करंट। और आप सबको पता होगा कि करंट का कौन सा इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट, आई स्क्वायर आर टी, क्लास टेंथ में पढ़ा था आप लोगों ने कि हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू करेंट का स्क्वायर, जितनी ज़बरदस्त करेंट होगी उतनी ज़बरदस्त हीट होगी, समझ गए ना? तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रही है, तो करंट के प्रोड्यूस होने के कारण वो गर्म हो जाएगा, बिकम्स वेरी हॉट। बोले सभी को समझ में आया कि नहीं आया? सर एडी करंट एक बार फिर बता दो। भाई करंट के प्रोपोर्शनल तो है हीट, मगर करंट आई कहाँ से, ये बात भी तो बतानी पड़ेगी ना। ये तो अंदर इसमें तारों के बीच में बिना उससे टच हुए बैठा हुआ है। तार कैसे होते हैं क्वाइल के? आइसोलेटेड होते हैं, एक तार दूसरे तार को फिजिकली टच नहीं करता है, उनके ऊपर वो लगा रहता है, एक वैक्स लगा रहता है। तो बीच में तुम भी अगर लेट जाओगे ना इस कॉइल के बीच में, तो तुम्हें कोई डायरेक्ट इसकी करंट नहीं घलेगी, समझ गया ना? हाँ, तुम्हारे अंदर फ्लक्स दौड़ जाएगा, समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, करंट दौड़ जाएगी, टनाटन हो जाओगे एकदम, ठीक है ना? समझ में आ गया? हाँ, एक बार एडी करंट फिर से बता रहा हूँ। देखो बेटा ये बताओ मेरे को हंशिका, यहाँ पर कि यहाँ पर ये बताओ जो फ्लक्स इंट्रोड्यूस यहाँ पे हो रहा है, क्या वो फ्लक्स चेंजिंग है कि नॉट चेंजिंग है? सर चेंजिंग है, चेंजिंग है। और ये बीच में मान लो मेटल की स्ट्रिप है, मान लो इस मेटल की स्ट्रिप को थोड़ा सा तुम इतना पार्ट ले लो, इतना पार्ट, तो ये कैसा दिखाई देगा? यस कि नो? यस सर। अब ये बताओ कि ये जो चेंजिंग फ्लक्स इसके अंदर से जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोज पाथ में अगर चेंजिंग फ्लक्स जाए तो पोलैरिटी जनरेट हो जाती है प्लस और माइनस। यस सर। और क्लोज पाथ में करंट सर्कुलेट हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं होगी? यस सर। तो अपने ही अपने पाथ में, छोटी छोटे पाथ में करंट सर्कुलेट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं, ये जो करंट सर्कुलेट होती है मेटेलिक पाथ के अंदर, यदि कुछ रख दोगे इसके अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग एडी करेंट। एडी मतलब भंवर, क्योंकि ये गोल गोल छल्ले बन रहे हैं ना भंवर जैसे, तो इसलिए इसको बोलते हैं एडी मतलब भंवर, है ना? सो इसको बोलते हैं अपन एडी करंट, ठीक है ना? जिंदगी के भंवर में उलझ के फंस गए हम, ठीक है ना? तो इसलिए ये एडी करंट है, नोट करो, ठीक है ना? भाई डीसी करंट जो होती है, फ्लक्स तो जाती है मगर फ्लक्स में चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो जीरो टू हीरो नहीं होती है, डीसी करंट केवल हीरो हीरो ही रहती है। तो फ्लक्स तो जाएगा ऊपरी से नहीं, हाँ थोड़े समय के लिए जीरो से पाँच एम्पियर। अब मान लो तुमने पाँच एम्पियर का डीसी बनाया, तो जीरो से पाँच के लिए फिर जब तक लाइट ना गुल हो जाए तब तक पाँच ही बना रहेगा, तो यहाँ तक तो आएगा। इसके बारे में तो कल बात की थी ना हम लोगों ने, इतने समय के लिए तो आएगा फर्क, बट उसके बाद कॉन्स्टेंट फ्लक्स है,
फ्लक्स करंट को, हाँ अल्टरनेटिंग में बढ़ता करता रहेगा तो फ्लक्स चेंज होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा तो करंट बनती रहेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो यस सर। ये हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो एसी करंट है, ये बढ़ती घटती रहती है। चलिए एसी करंट है, फील, अब वो फील होने के तरीके होते हैं तो फील होगा। चलिए ये हो गया सेकंड का आंसर। चलो पढ़ो अंशी का सेकंड आंसर। व्हेन अ मेटालिक पीस, व्हेन अ मेटालिक पीस इज सराउंडेड बाय अ कॉइल कैरिंग हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट, इट बिकम्स हॉटर बिकॉज एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच इन टर्न प्रोड्यूसेस जूल्स हीटिंग इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है बच्चों, एडी करंट प्रोड्यूस होती है और एडी करंट जो होती है जूल्स हीटिंग इफेक्ट को कन्वे करता है, इस वजह से मेटल पीस जो होता है ज़बरदस्त हॉट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में ये जो है, एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड टू द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हैज थ्रू ए लीडिंग वोल्टेज बाई पाई बाई टू रेडियन, आइडेंटिफाई एक्स। बच्चों अभी रट लो इसको, के बारे में अपन को बहुत पढ़ना है, अगला चैप्टर एसी आएगा, बट फिलहाल यदि यहाँ पर ये आ गया है तो आपसे यदि कोई बोले कि कैपेसिटर में वोल्टेज, इसके ऊपर आने वाला वोल्टेज यानी वीसी और इससे ऊपर जाने वाली करंट यानी कि आई, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना होता है, तो बच्चों याद रखना कि कैपेसिटर में जो करंट होती है वीएल वीसी, हाँ ये करंट होती है और ये बच्चों वोल्टेज होता है। तो बना लो, बस रट लो, अभी अभी इसको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं होगी, बट अभी बना लो इतना एंगल, इनके बीच में बच्चों प्योर कैपेसिटर में 90 डिग्री का एंगल होता है, लिख लो, बना लो। ये कैपेसिटर का ग्राफ है, तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। कैपेसिटिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज यहाँ पे लैग कर रही है, करंट देख लो आगे है और वोल्टेज नीचे भाग रहा है। तो खैर इसकी अभी ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही आ गया बीच में तो मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन अभी पढ़ाया नहीं है, मत भरो इसकी बात। ओके चलिए आप दिमाग लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा चुका हूँ। बताइए, द इंड्यूस ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ, वाई? इंड्यूस ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ, वाई? आपने बताया था कि जब हीरो टू जीरो आते हैं तो मतलब वो कम होता है, तो उसको बैक सपोर्ट देने के लिए नहीं, ये उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट है सर, बिकॉज इट अपोजेस द चेंज, बिकॉज इट अपोजेस द चेंज। थोड़ा सा और अच्छा बोलिए, और अच्छा बोलिए, और अच्छा बोलो भाई, आप पर्टिकुलर केस के बारे में बात कर रहे हो आर्यन, ये बताओ कि बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप एक बात आप मेरे को बताओ, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है या इंड्यूस करंट जो होती है वो मेन करंट के सपोर्ट में डेवलप होती है कि अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होती है? बस यही रीज़न कहना है, तो इसको सिस्टमेटिकली कह दीजिए। देखिए पढ़ो आंसर आर्यन, इट इज़ बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ सर्किट ऑलवेज अपोजिस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस, हाँ ये बैक ईएमएफ है और ये हमेशा अपोजिट नेचर का होता है मेन सोर्स ईएमएफ के, ये हमेशा जो होता है ये सोर्स ईएमएफ, जो सोर्स जो इसको प्रोड्यूस करवाता है उसके अपोजिट नेचर का होता है। सो इट इज़ बिकॉज द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ सर्किट ऑलवेज अपोजिस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट, लेंज लॉ था ये, ये इसी का नाम लेंज लॉ था, इट इज़ है ना, इट इज़ बिकॉज इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ सर्किट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट, इसकी वजह से ये बैक ईएमएफ कहलाता है बच्चों, लगाए गए सोर्स ईएमएफ के विरुद्ध में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब इसको और ज़्यादा यदि मैं बात करूँ आपसे, देखो थोड़ा और ज़्यादा इसको मैं डिटेल करूँ तो कर सकता हूँ। ये मान लीजिए आपके पास में कोई क्वाइल है, ये कोई क्वाइल है आपके पास में और आपने यहाँ पे पोलरिटी लगाई बच्चों प्लस और ये है माइनस, तो ये प्लस यहाँ कन्वे हो जाएगा, ये माइनस यहाँ कन्वे होगा और प्लस और माइनस मतलब इस डायरेक्शन में आपका मेन ईएमएफ लग गया, ये मेन ईएमएफ की डायरेक्शन है क्योंकि मेन करंट आपकी ऐसी जाएगी। अब आप क्या कर रहे हैं, मान लो करंट को बढ़ा रहे हो, मतलब वोल्टेज आपने बढ़ाया होगा, वोल्टेज को आपने 1 वोल्ट से बढ़ा के 5 वोल्ट ले गए तो करंट भी कुछ एम्पियर से बढ़ के कुछ एम्पियर हो गई,
अब ये जो इसके अंदर उल्टा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो बढ़ती हुई करंट का अपोज करेगा। तो वो जो अपनी करंट भेजेगा वो इस मेन करंट के किस डायरेक्शन में होगा, सेम की अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो उसकी पोलैरिटी डेवलप होगी वो यहाँ होगा डबल प्लस और यहाँ होगा माइनस, जिसकी वजह से करंट जो इसकी उल्टी वाली होगी वो यहाँ से यहाँ चलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो बैक वाला, ये कहलाएगा बेटा बैक ईएमएफ। क्या हो जाएगा ये, बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर। तो ये बैक ईएमएफ है। चलिए अगला क्वेश्चन। पिछला जो क्वेश्चन बताया मैंने, पिछला क्वेश्चन मैंने बताया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मैं आप मेरे को यदि बता सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी, है ना? लाइटली डैम्प्ड। चलो समझो इसका मीनिंग क्या है बेटा। ये मान लीजिए आपके पास एक कॉपर की प्लेट लटक रही है, और ये यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, यहाँ से ये फील्ड जा रहा है, कन्वे हो रहा है, जुई 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 शू, ये जा रहा है। बच्चों तुमने क्या किया है, ये जो क्वाइल है, ये जो कॉपर की मेटल प्लेट है, इसको यहाँ पे गए जोर से और इस पर एक जोर का घूंसा मारा, घूमने नहीं लगेगी, एक पॉइंट से बंधी हुई है, टुक 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 हिलने लगेगी आगे पीछे, देखो धागे से बंधी हुई है, ऑसिलेट होने लग जाएगी, मतलब इस पॉइंट के अबाउट थोड़ी सी यहाँ जाएगी और फिर थोड़ी सी यहाँ आएगी, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अब जैसे इसको आगे पीछे तो हो रही है, मगर ये बहुत जल्दी से रुकने वाले मोड पे आ जाएगी, मतलब डैम्प हो जाएगी। ऑसिलेशन, डैम्प होना मतलब कि ऑसिलेशन एक तरीके से थम जाना, तो इसका डैम्पिंग नेचर दिखेगा, मतलब ये चीज़ आपको थमती हुई दिखाई देगी। कोई मुझे बताए कि ये क्यों थमेगी, लाइटली डैम्प्ड, ये क्यों थमेगी बताओ भाई, लगाओ रीजनिंग, दिमाग लगाओ, क्यों थमेगी बता सकते हो? बोलो, मजा आ जाए, दौड़ा दो दिमाग थोड़ा सा यार। कोई कंसेप्ट नहीं है बाहर का, इसी चैप्टर का कंसेप्ट है। नहीं पता, बोलो नहीं पता, बोलो नहीं पता। हंसिका को पता है, हंसिका बोलना चाह रही है, हंसिका बोलो। हर्षिता को भी पता है, इन दोनों ने नहीं बोला ना, नहीं पता। हर्षिता यस सर बता दो। मुझे तीन चीजें इसमें लग रही है। पहली चीज सर, एक तो मैकेनिकल अपोज लग रहा है इसमें, मैकेनिकल एनर्जी अपोज, और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज और मैग्नेटिक फील्ड और फिर लेंस लॉ वगैरह। देखिए मैकेनिकल अपोज नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, पहली चीज़ बता दूं, मैकेनिकल अपोज कुछ भी नहीं है। मैकेनिकल अपोज इसमें कहाँ से, मैकेनिकल अपोज कौन उसके साथ, कोई उसको रोकने वाला है? हाँ भाई हर्षिता तुम भी बता रही हो, आंसर बोलो। बताते हैं यार, देखो बच्चों जब नहीं पता हो ना तो एक बार बोल दिया करो जवाब, क्योंकि मुझे ये लगता है कि तुम लोग सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, इसलिए मैं पूछता हूँ, इसलिए जल्दी बोल दो, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, है ना? मैं भी नहीं आया आइडिया। तो आपने तीन बातें कही हंसिका कि सर एक तो मैकेनिकल है, दूसरा फ्लक्स चेंज है, और तीसरी बात जो आपने बताई कि सर लेंज लॉ। तो जो तीसरा पॉइंट आपने बताया लेंज लॉ, सारा उसी का कमाल किया हुआ है भाई। देखो मैंने क्या बताया, लेंच लॉ कहता है कि इंड्यूस होने वाली करंट का जलवा कुछ ऐसा होता है, वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होती है कि वो उस कॉज का अपोज करे जो उसको क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर ईएमएफ क्रिएट होने का कॉज क्या है,
यहाँ पर ईएमएफ क्रिएट होने का कॉज है इस मेटेलिक प्लेट का हिलना, क्योंकि फ्लक्स तो फिक्स था और मेटेलिक प्लेट के हिलने से वो फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा था। तो मैंने बताया था बेटा क्या पसंद करता है, बेटा कस पसंद करता है कि जो फ्लक्स जा रहा है वो जाता रहे, वो बदले ना। तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि वो उस कॉज को अपोज करे जो उसको क्रिएट कर रहा हो। तो वो कॉज कौन है जो क्रिएट कर रहा है? वो कॉज है इस कॉइल का हिलना, इस मेटेलिक प्लेट का हिलना। तो जो इंड्यूस करेंट होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में क्रिएट होगी कि वो इसके हिलने का क्या करे, अपोज करे। तो सडन थोड़ी देर में डैम्प होकर के रुक जाएगा। बोलो आप समझ में आया कि नहीं आया? सर यहाँ पे एडी करेंट लगेगा। हाँ एडी करेंट क्रिएट होगी यहाँ पे, एडी करेंट इंड्यूस करेंट ही तो है ना। और वो एडी करेंट इंड्यूस करेंट कुछ ऐसी होंगी कि वो इसके हिलने का अपोज करे, क्योंकि एडी करंट के प्रोड्यूस होने का कारण कौन है? इससे प्लेट का हिलना, क्योंकि प्लेट के हिलने से ही तो फ्लक्स चेंज हो रहा है और सारा मैटर फ्लक्स चेंज ना हो। तो फ्लक्स चेंज ना होने के लिए एडी करंट कुछ ऐसी डायरेक्शन में बहेंगी कि इसका ये जो है हिलना बंद हो जाए, हिलना कम हो जाए। तो जैसे एडी करंट प्रोड्यूस होंगी ये कॉइल जो है लाइटली डैम्प हो जाएगी, जितनी जोरदार हिल रही थी वैसी नहीं हिलेगी। चलो आंसर पढ़ो, पढ़ो हंसिका। कॉपर डिस्क, कॉपर डिस्क ऑक्सीलेट्स बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एडी करेंट्स विच अपोजेज इट्स ऑक्सीलेटिंग मोशन एंड एज अ रिजल्ट द मोशन गेट्स डैम्प। एग्जैक्टली, मोशन डैम्प हो जाएगा, एडी करेंट कुछ ऐसी प्रोड्यूस होंगी कि थोड़ी देर में मोशन डैम्प हो जाएगा। समझ में आ गया जय? यस सर। चलो हर्षिता क्लास में है बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है हर्षिता, पहले के दो वीडियोस कर लेना अच्छे से, ठीक ना? तुम्हारी क्लास छोटी है इसलिए थोड़ा सा बेटर अनकॉन्फिडेंट रहोगे, दो वीडियोस कर लेना। यश समझ में आ गया? यस सर आ गया। अगला क्वेश्चन यशराज जवाब देंगे। ए मेटेलिक वायर इज स्टेशनरी इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए क्वाइल? ए मेटेलिक वायर क्वाइल इज स्टेशनरी इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्वाइल? बताओ यशराज, यशराज बताएगा, यशराज बताएगा। सर ये तो वही क्वेश्चन है, जीरो होगा मतलब होगी नहीं ना? पक्का वही क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल सही है, तो वही क्वेश्चन है, तो आंसर भी वही होगा, नो ईएमएफ प्रोड्यूस, ठीक ना? चलो मतलब अलर्ट हो, इसीलिए जानबूझ के डाला था मैंने क्वेश्चन को, अलर्ट होगी नहीं हो। तो करेक्ट आंसर है इसका जीरो, कोई ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। चलिए तो ये थोड़ी सी एक फाइल, बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इनको करके रखिएगा, बहुत ईजी है ये तो। अब चलते हैं अपने मेन टास्क की तरफ, कल हमने जो पढ़ा दिया था उसको आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने आपको पढ़ा दिया था ईएमएफ, लेंच लॉ मैंने बता दिया था, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया जिसमें मैंने बताया ई इज़ प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, ई इज़ इक्वल टू के डी फाई बाई डी टी, के की वैल्यू 1 हो गई थी, तो ई इज़ इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। बाद में लेंच आते हैं और लेंच कहते हैं कि इंड्यूस्ड ई एम एफ इंड्यूस करेंट, बेटा फैन ऑफ कर दे, कुछ इस डायरेक्शन में, उसको कम कर दो यार, ठीक ना? रिहोस्टेड को पीछे खींच दो, हाँ उसको पीछे घुमाओ, रिहोस्टेड को, कॉइल छोटी हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी, वी प्रोपोर्शनल टू एल से लेंथ कम होगी तो वोल्टेज कम गिरेगा, और वोल्टेज कम गिरेगा तो पंखा धीरे घूमेगा। चलो वी प्रोपोर्शनल नहीं, एग्जैक्टली बात यही है ना भाई, रिहोस्टेड का ही कंसेप्ट है, वी प्रोपोर्शनल टू एल, अगर लेंथ कम होगी रिहोस्टेड की तो वोल्टेज कम गिरेगा, तो कम मतलब वही कर रहे हैं ना, हाँ उसी को लेंथ कम कर देते हो, ठीक है ना? यस यस ठीक है ना। तो ये लेंच लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये भी बता दिया था। अब आज की पढ़ाई में लिखिए, स्टार्ट करते हैं, लिखो बच्चों एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ बेस्ड ऑन बोथ द लॉज, मतलब फेराडे और लेंच दोनों की दोस्ती कराने वाले हम लोग, फेराडे और लेंच दोनों की हम दोस्ती कराने वाले हैं। फेराडे कुछ बोल करके गए, लेंच कुछ बोल करके गए, वो दोनों की अपन दोस्ती कराएंगे। देखो भाई फेराडे क्या बोल करके गए थे, फेराडे बोल करके गए थे ई इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, ये बोल के गए थे। थोड़ा सा उन्होंने और डेवलप कर दिया था, कहा था कि प्रोपोर्शनल हटाओ
कांस्टेंट लगाओ और कांस्टेंट की वैल्यू वन दे करके गए, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। बाद में लेंज साहब आते हैं, वो कहते हैं देखो है ना, ये दोनों में जो रिलेशन है ना वो बहुत दुश्मनी का है, इसके बिना ये क्रिएट नहीं हो सकता, मगर ये जो EMF क्रिएट होगा ये हमेशा फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगा। तो फेराडे ने K की वैल्यू, जो लेंज ने जो K की वैल्यू वन नहीं बोली, वो क्या बोली, माइनस वन। नेगेटिव क्यों बोला सर? अब भूल गए तुम, कल तो बताया था आपने कि अपोजिट उसमें होता है तो। बस हो गया, तो वही तो रीजन है, ठीक है ना। क्या हुआ, समझ में आया? वही रीजन है ना, इंड्यूस EMF इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स। इंड्यूस EMF कुछ ऐसा होगा कि ये फ्लक्स में चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा भाई। तो फ्लक्स में चेंज क्या है, डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस EMF क्या है, E, और दोनों की रिश्तेदारी कैसी है, लड़ाई वाली, तो नेगेटिव आ गया। E इज इक्वल टू नेगेटिव डी फाई बाई डी टी, ये आ गया अपना फॉर्मूला। चलिए तो यहाँ से बात शुरुआत होती है, मैं उन्होंने कैपिटल ही लिख दिया है, मैंने स्मॉल ही लिख दिया, लड़ने की कोई बात नहीं। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई ओपन कर दो। बच्चों कैसे ओपन करेंगे, चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन फ्लक्स, माइनस रख दिया। चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, फाइ टू माइनस फाइ वन अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, टी, कल बताया था। तो फाइ टू माइनस फाइ वन अपॉन टी, माइनस साइन को अंदर ढोल दो, क्या आएगा, फाइ वन माइनस फाइ टू अपॉन टी। समझ में आ गया, फाइ वन माइनस फाइ टू अपॉन टी, तो ये भी लिख सकते हो। अब देखो बच्चों, अगर एक छल्ला है, अगर एक छल्ले से फ्लक्स फाई जाएगा, तो अगर मैंने दो फेरे लपेट दिए तो दो फेरे से टू फाई हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं एन टर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो डेल्टा फाई के आगे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो एन टर्म्स के लिए बच्चों क्या रिलेशन बनेगा, याद करो, इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो बादलों के अंदर बना करके लिख लो, इससे आपका एक नंबर मिलने वाला है आपको, ये एग्जाम में आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पक्का देगा। बिल्कुल डायरेक्टली एन टर्म्स के लिए बना लो, इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। एक क्वेश्चन इस पे जरूर बनेगा, बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, बनाओ बनाओ जल्दी। लिख लिया, नहीं लिखा, ऐसे लिख लो बादल बना के थोड़ा सा साइड में, ये चीज़ें लिख लेनी चाहिए। इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, चलो भाई खोलो भाई, वैल्यू इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई की वैल्यू चेंज इन फ्लक्स, फाई टू माइनस फाई वन अपॉन चेंज इन टाइम हो गया। ये लिख लो बच्चों ई की वैल्यू ओपन करके, फाई टू माइनस फाई वन बस माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ओके खोज भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर कर लो, एन फाई वन माइनस फाई टू अपॉन टी, बिल्कुल लिख लो। चलो एक फीलिंग बेस्ड क्वेश्चन करा दिया जाए, इस पर तो मजा आ जाए। चलो लिखो बच्चों, लिखो अ क्वाइल, कॉपी में लिखो, अ क्वाइल सफर्स अ चेंज ऑफ फ्लक्स, अ क्वाइल सफर्स अ चेंज ऑफ फ्लक्स 8 वेबर टू 5 वेबर इन, 8 वेबर टू 5 वेबर इन 3 मिली सेकेंड, इन 3 मिली सेकेंड। एक क्वाइल है जिसमें फ्लक्स जाने वाला 8 वेबर से लेके 5 वेबर हो जाता है 3 मिली सेकेंड में। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल आर 10, अगर क्वाइल में 10 फेरे हैं तो बताओ कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। चलो लियो भाई सीन देखो, ये आर्यन है, ये हाथ में मैग्नेट लिया हुआ है और दौड़ रहा है, ये मैग्नेट लेकर के दौड़ रहा है, यहाँ पे फ्लक्स आया। जब ये दौड़ रहा था तो पहले ये पीछे की तरफ भाग रहा था, ये तो पहले जब ये दौड़ रहा था तो इस पर जो फ्लक्स था वो था 8 वेबर कट हो रहा था, ये यहाँ पहुँच गया पीछे चलते चलते,
ये पहुंच गए हैं यहाँ, और 8 वेबर से फ्लक्स कमते 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 मतलब कम होते होते 5 वेबर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक इसको पीछे आने में कितना समय लगा है? 3 मिली सेकेंड। 3 मिली, मिली का मतलब 10 की पावर -3 है ना, मिली का मतलब 10 की पावर -3। इतना समय लगा है, और क्वाइल में टोटल 10 फेरे हैं, है ना, टोटल कितने फेरे हैं? 10 फेरे हैं। आप बताओ कि आर्यन की इस भाग भाग में कितना वोल्टेज इसके क्रॉस जनरेट हो जाएगा? चलो बताओ भाई, मन से शांत होकर करूं, निकालो पहले से आराम से। आ गया आंसर, बोलो। यशराज आंसर बोल बेटा। क्यों यशराज? यस सर। बोलो आंसर, काहे छुपा के बैठे हुए, बोलो। जय आंसर बोलो। कितना आया? 10 to the power 2। क्या किलोग्राम? लीटर? लीटर? हाँ लीटर आएगा ना, तुम ही बता रहे हो, हम कहाँ बोल रहे हैं, क्या आएगा? ईएमएफ वेबर में नापा जाता है। ईएमएफ क्या है? वोल्ट में नापा जाता है, वोल्टेज है। यार बच्चों यार गलत बात, इतना इजी क्वेश्चन इतना टाइम तो नहीं लगा रहे हो, या तुम लोग मेरे को बता नहीं रहे हो तुम के सबके आंसर आ चुके हो। देखो यार, यार फॉर्मूला क्या है, या तो डायरेक्टली ये लगा दो, नहीं तो अगर याद नहीं है आपको कंसेप्ट आ रहा है तो इज इक्वल टू याद करोगे सर, निगेटिव डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी ये आएगा। और सर अभी आपने बताया कि n फेरे हो तो n लगा दो, चलो तो माइनस का n डेल्टा फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स फाई माइनस फाई वन अपॉन डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम कितना दे रखा बच्चों? 3 मिली सेकेंड। तो 3 × 10 की पावर -3 तो ये हो गया। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 10 हैं, तो माइनस इधर 10। अब चेंज इन फ्लक्स देखो, बाद वाला फ्लक्स कितना है? 5, और पहले वाला कितना था? 8। तो अगर माइनस अंदर कर रहे हो तो 8 - 5 करो, और माइनस अंदर नहीं कर रहे हो तो 5 - 8 कर दो, 5 - 8 और अपॉन में 3 × 10 की पावर -3 पलटी मार करके भाई साहब ऊपर आ जाएगा, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। चलो तो देखो कितना हो गया अपने पास में, माइनस का 10 और माइनस अंदर कर दिया, देखो 5 में से 8 गए, कितना हो गया? -3, और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 3। 10 × 3 / 3 × 10 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर 10,000, क्योंकि 10 की पावर 4 हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 10,000 लिख लो, या 10 किलो वोल्ट लिख लो, बात एक ही है। तो आंसर 10,000 वोल्ट क्रिएट इसके क्रॉस में डेवलप होगा, समझ गया? आ गया आंसर। नीचे 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर +3 बनेगा, तुमने नीचे वाले -3 से ऊपर वाले 10 को काट के -2 ले आया, गणित का अद्भुत प्रदर्शन किया है आपने यहाँ पे, ठीक ना। सो 10 की पावर +3 ऊपर जाएगा, तो 10 × 10 की पावर 3, तो आंगनबाड़ी का फॉर्मूला, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 10 की पावर 3 + 1 आंसर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4। बोलो बच्चों क्लियर हुआ सबको? हंसिका, यश, यशराज, हर्षिता बोलो। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरीके, हाँ ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमको ये तरीके से बच्चों आएंगे, ठीक है ना। चलिए कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब चलो भाई, आ गई है हमारे पास करंट, आ गई हमारे पास सॉरी वोल्टेज आ गया। अब एक चीज है कि यहाँ पर जो वोल्ट
वोल्टेज आपने क्रिएट किया आर्यन ने मैग्नेट को भगा करके कितने का, 10 की पावर 4 वोल्ट का वोल्टेज इसके अक्रॉस क्रिएट कर दिया। अगर मैं बोलूं कि इस क्वाइल का रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू, इस क्वाइल का रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 500 ओम है, तो बताइए क्वाइल में करंट कितनी होगी। देखो अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया वोल्टेज कितना आया, अब आपको बतानी है करंट कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल यार, आई क्या होता है, वी बाई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वोल्टेज आपने कितना लाया इसके क्रॉस, 10,000। तो 10,000 को क्या लिख सकते हो, 100 × 100 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 500। तो 100 से कितने बार गया, 5 बार, और 5 से कितने बार गया, 20 बार, मतलब कितने एम्पियर की करंट, 20 एम्पियर। तो बच्चों ये भी लिख लो बना करके, क्वाइल क्वाइल लिख लो, इसमें लिख लो करेंट क्वेश्चन मार्क कितनी है, बताओ करेंट। करंट पूछी जाएगी तो इतनी आ जाएगी, डन बच्चा पार्टी, समझ में आ गया। चलो सो भैया फॉर्मूला क्या बनेगा सर जी आई का, तो बना दो भाई, बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। आई इज इक्वल टू होगा ईएमएफ अपॉन आर, तो 1/r को साइड करो और ईएमएफ की वैल्यू क्या निकाली है, -d∅/dt। लियो बन गया फॉर्मूला, बिल्कुल ईएमएफ है वही तो है। तो देखिए जी फॉर्मूला लिख लीजिए, आई इज इक्वल टू d∅/r dt। देखो 1/r और ये dt, तो आई इज इक्वल टू -d∅/r dt। दिख रहा नहीं दिख रहा, अरे माइनस क्या पढ़ाया था, हाँ वोल्टेज होता है बट यूनिट वाइज तो सेम ही है ना, समझ गया ना। ठीक है ना, तुम पैसे बांटने गए तो तुम्हारे जेब से पैसे निकले और किसी दूसरे को मिले, बट निकले तो है तो पैसे ही, क्वांटिटी वाइज तो दोनों है ना मनी है। ठीक है ना, तो है क्वांटिटी वाइज ये ईएमएफ है, वो है तो वोल्टेज ही, तो -d∅/r dt कैसे आ गया, e/r कर दिया, e/r, तो 1/r और e की जगह कितना -d∅/dt, तो उसको थोड़ा अरेंज करके लिख दिया, ऊपर कर दिया -d∅ और नीचे r dt। तो बच्चों लिख लो करंट i इज इक्वल टू d∅/r dt। तो मुझसे जो कह रहे थे कि सर इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी भाई, इंड्यूस्ड करंट जो है रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। ठीक है ना, यस इंड्यूस्ड करंट जो है रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, क्लियर। चलो बच्चों क्लियर है, बोलो यस। हाँ ईएमएफ नहीं, यस सर, ठीक है, इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, ईएमएफ नहीं करेगा। चलिए अब एक्सप्रेशन फॉर चार्ज निकाल लो, लियो भाई आई तो है अपने पास, आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, आई इज इक्वल टू दिया है 1/r इंटू -d∅/dt, ये है आई। ओके हमें क्या निकालना है, चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है dq/dt। तो चार्ज कितना होता है, dq इज इक्वल टू आई के साथ dt का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे dq निकालना है, तो i तो अपने पास यही है, क्या है i 1/r माइनस का d∅/dt, ये है i, इंटू क्या कर दो साथ में dt का मल्टीप्लाई, क्योंकि i इंटू dt, तो dt से dt कैंसिल, सो dq इज इक्वल्स टू 1/r टाइम्स ऑफ -d∅। चलो देख लो फॉर्मूला लिख लो बच्चों, dq/dt इज इक्वल टू 1/r dt, ये i की वैल्यू थी, ये i यहाँ से आया था, तो dt को इधर भेज दो, ये देखो, तो बच्चों फार्मूला लिख लो dq का -d∅/r, तो dq इज इक्वल टू -d∅/r। लिख लिया सबने, आगे बढ़े, यस सर। चलो ठीक है, तो ये हो गया अपने पास सारा कार्यक्रम संपन्न dq का। अब चलिए कुछ नोट की बात पढ़ लेते हैं। हाँ चलो भाई जय, क्या इंड्यूस ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, बिल्कुल कि हाँ कि ना, गलत बोल, नहीं करता, इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, मगर क्या इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। देख भाई चार्ज में भी आर आ रहा है और करंट भी आर आ रहा है, तो
तो दोनों रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेंगे। पढ़ो हंशिका, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वेयर एज द इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली, तो चार्ज और जो करंट होंगे वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेंगे, मगर इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए अब बच्चों, अभी आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने इतना देखा कि E इज इक्वल टू होता है एन डी फाई बाई डी टी। बोलो यस। E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, मतलब ईएमएफ लाने के लिए हमें फ्लक्स में बदलाव करना पड़ेगा। ईएमएफ लाने के लिए हमें फ्लक्स में बदलाव करना पड़ेगा, और फ्लक्स में, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू होता है, यदि भूले ना हो तो बी ए कॉस थीटा। याद आया? हाँ, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, बहुत ध्यान से रखना। तो ई इज इक्वल टू एन डी वाई डी टी साइड में करो। देखो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे। तो ई इज इक्वल टू एन यहाँ करो, इधर देख रहे, फिर वही लग गया काम में, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ फिर भी ध्यान वहाँ दे रहा। इक्वल टू एन डी बाई डी टी कर दिया, अब फाई की वैल्यू क्या है? बी ए कॉस थीटा, यहाँ रख दो बी ए कॉस थीटा। सवाल आ रहा तुम्हीं से, आ रहे हैं तुम्हीं से पूछता हूँ। अब ई एम एफ प्रोड्यूस करना मतलब डी बाई डी टी, मतलब टाइम के साथ बदलना। बताओ क्या क्या बदलोगे तो ई एम एफ प्रोड्यूस हो सकता है? ई एम एफ प्रोड्यूस करने के तरीके बताओ। फ्लक्स तो बदलना है, मगर फ्लक्स बदलने के तरीके बताओ, क्या क्या बदलोगे कि ई एम एफ प्रोड्यूस हो जाएगा? गलत, बिल्कुल गलत, कोई फंडा नहीं है, स्पीड का कोई फैक्टर ही नहीं है यहाँ पर। क्या क्या कह रहे हैं आप कि ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या बदलोगे? ऊपर वाली पूरी चीज़ बदल, क्या क्या, तो बोलो उनका नाम बोलो। एन बदल देंगे, नंबर एन, एन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डी बाई डी टी के बाहर है। बदलाव टाइम के साथ ही अंदर वाली क्वांटिटी पे देखा जाएगा। डी बाई डी टी इस पे ऑपरेट हो रहा, वो तो एन है ना। हाँ, या तो मैग्नेटिक फील्ड बदलो, पहले चैप्टर में भी बताया था कि फ्लक्स बदलने का तरीका, या तो मैग्नेटिक फील्ड बदलो, या तो एरिया बदलो, या तो थीटा मतलब कॉइल को घुमाना शुरू कर लो। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करने के जो तरीके होंगे, बिल्कुल सीजे, अब कोई एक बदल लो, कोई दो बदल दो, समझ गए ना। तीनों साथ में ही बदल सकते हो, बट हमारे सिलेबस में एक एक करके बदलना है। तो पहला है बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी, सेकेंड है मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी, सेकेंड पॉइंट खुद से बना लो बाई चेंजिंग द एरिया या बाई चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल। तो बच्चों बनाओ, पहला पॉइंट लिख लो कॉपी में, लिखो हेडिंग डालो मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। हेडिंग डालो मेथड ऑफ, अरे लिख लो कहीं भी लिख लो, तो नोट्स आपको घर में बनाने हैं बाद में। लिखे मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बी, तो सीधी बात है ना, क्वाइल धर दो और ये यहाँ से मैग्नेट आस के पीछे करते जाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड ही तो बदलेगा, क्योंकि लाइन्स ऑफ फोर्सेस बदल रही है, मतलब फील्ड बदल रहा है, कम ज़्यादा, तो ये कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड बदलना। पढ़ो इसको आर्यन, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पाई। एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही। तो क्या लिखी लाइन लिखी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी। जैसे हम क्वाइल में मैग्नेट को आगे पीछे करके मैग्नेटिक फील्ड ही तो बदल रहे थे, कम ज़्यादा, तो वैसा करके आप मैग्नेटिक फील्ड को बदल करके ईएमएफ इंड्यूस करा सकते हो, जैसा हम फैराडे के एक्सपेरिमेंट में किया। पहला चीज, चलो मैग्नेटिक फील्ड बदल लिया, अब बोलो दूसरे नंबर पर क्या बदलें? एरिया। दूसरे नंबर पे हम एरिया बदलते हैं, सेकेंड पॉइंट बाई चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल अवेलेबल इन द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अब उसका एरिया को, या तो कॉइल को छोटा करते जाओ बड़ा करते जाओ, कॉइल को छोटा करते जाओ या बड़ा करते जाओ। पढ़ो हांजी का, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। पढ़िए बेटा। चलो नेटवर्क ब्रेक हो रहा आपका। जय पढ़ो। यस सर। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द लूप ए व्हिच इज एक्टेड अपॉन बाय द
मैग्नेटिक फील्ड भी एनहेंस ईएमएफ कैन बी इंड्यूस इन द सर्किट। बिल्कुल सही बात है। तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलने के लिए, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस करवाने के लिए आप एरिया भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं देखिए, जरा एक सीन क्रिएट करता हूँ मैं। ये आपके पास बच्चों नॉर्थ है पोल और ये साउथ है, ठीक है ना। ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। बिल्कुल पूछो। अगर इसका हम साइज बढ़ा दें मैग्नेट का, देखो आप मैग्नेट का साइज बढ़ाओगे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 10 बार मैग्नेट चेंज करो। बात प्रैक्टिकलिटी की हो रही है कि आप अगर आप 17 बार मैग्नेट लाते जाओगे तो कोई मतलब नहीं है ना। ऐसी चीज़ें, हाँ वो भी चीज़ है कि हाँ मैग्नेट का साइज़ बढ़ाने से चेंज हो रहा है, बट मैग्नेट का साइज़ बढ़ाना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ही तो बदलना है ना। मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, साइज़ बढ़ा रहे हो मतलब मैग्नेटिक फील्ड बड़ा कर रहे हो आप, तो मैग्नेटिक फील्ड को ही बदलना है। अब आप मेरी बात सुनो, आपने कभी धागे का लूप बनाया है? बड़े आराम से बन सकता है धागे का लूप। एक धागे में दूसरा धागा जोड़ दो और ऐसे उसको बना दो। तो इसको अगर खींचते हो, अरे यार वो बैग नहीं अपन पीठ में टांगते हैं तो उसका वो खींच देते हैं तो छोटा हो जाता है बड़ा हो जाता है, तो वही तो है एक्चुअली सिस्टम ये। तो वो डबल थ्रेड लगा करके इस धागे को अगर ऊपर खींच दो तो ये लूप छोटा हो जाता है, और अगर इसको नीचे लूप को फोल दे दोगे बड़ा हो जाएगा लूप। समझ में आया ना। तो एक काम करो, यहाँ पे एक बड़ा सा धागा रख लो, ये लूप है। अब आप बताओ, अभी इसका ज़्यादा है, अब इस ये जो डोरी है इसको आप टाइट कर दोगे तो ये इतना हो जाएगा। बोलो हाँ। अब यही काम करते रहो, खींचो तानो खींचो तानो खींचो तानो, बड़ा छोटा एरिया बड़ा छोटा एरिया। आ गया समझ में ना। तो इस तरीके से एरिया बढ़ता जाएगा या छोटा होता जाएगा और आपका एरिया बदलेगा। अगर एक ही बार करें, बार 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 ना करें तो एक ही बार में फ्लक्स होगा जब तक आपने चेंज किया। जैसे ही आपने एरिया बदलना रोका फ्लक्स में चेंज कितना होगा, जीरो। मैग्नेट रुकी, फील्ड बिल्कुल फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है, एरिया बदल रहा है। क्या कंसेप्ट लग रहा है देखो, अपन क्या पढ़ा, फाई इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स डी बाई डी टी, और फाई की जगह रख दिया अपन ने बी ए कॉस, समझ गया ना। चलो देखो, बी बदल नहीं रहा बाहर कर लो, कॉस थीटा बदल नहीं रहा बाहर कर लो, कौन अंदर भरेगा, ए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बी बाहर कॉस थीटा बाहर, किसके चेंज की वजह से ईएमएफ आया, एरिया के चेंज की वजह से। यह है कंसेप्ट, यह है कंसेप्ट, समझ में आ गया। तो इस तरीके से काम होगा। चलो तो बच्चों एक काम करो, थोड़ी सी मैं आप लोग को एडवांस अप्रोच में एक चीज़ लिखवा देता हूँ, एक बार मेरे साथ लिखते जाओ। लिखो इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, लिखो मेरे साथ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का एन d बाई डी टी, फाई की जो सबसे जनरल वैल्यू होती है वो होती है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अब इसमें पहला केस बनाओ, इफ b चेंजेस, बाकी सब कॉन्स्टेंट, केवल b चेंजेस, तो b को अंदर छोड़ लो टाइम के रिस्पेक्ट में, बाकी सबको बाहर बुला लाओ। इज इक्वल टू माइनस एन बाहर, a बाहर, कॉस थीटा बाहर, और केवल क्या बच्चों, डी बी बाई डी टी। सेकेंड पॉइंट लिखो बच्चों, इफ ए चेंजेस, तो इज इक्वल टू माइनस एन बाहर, बी बाहर, कॉस थीटा बाहर, और डी ए बाई डी टी। थर्ड पॉइंट लिखो बच्चों, इफ थीटा चेंजेस, थीटा मतलब कॉइल का एंगल, हाँ कॉस थीटा अंदर बाकी सब बाहर, तो इज इक्वल टू माइनस एन बाहर, बी बाहर, ए बाहर, एंड डी बाई डी टी, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा। नोट करिए कॉस थीटा। तो सभी लोग मुझे बताएं कि ये तीनों पॉइंट आप लोगों के क्लियर हुए कि नहीं हुए। ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं तो ये चैप्टर आपका बड़ा कंफर्टेबल आपको लगेगा। अब इसमें से न्यूमेरिकल आने वाले आपको बड़े आराम से बन जाएंगे। बोलो डन। क्यों हर्षिता, रिप्लाई करो। यस यस सर, ठीक है ठीक है। कोई पूछना है तो पूछा करो, बताओ कहीं पर दिक्कत हो। इसके इरेज कर दूं बच्चों, मैं हटा दूं इसको, हटा दूं इसको बच्चों, हटा दूं इसको बच्चों। यस सर, ठीक। अब चलिए पॉइंट नंबर टू का डेरिवेशन डेवलप करा रहा हूं बच्चों। अब एक नया डेरिवेशन आ रहा है जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। क्या नाम है,
मोशनल ईएमएफ, लिख लो एम ओ आई ओ एन ए एल मोशनल ईएमएफ। इमोशनल ईएमएफ है। किस चीज़ का मोशन? क्वाइल का मोशन। क्वाइल का एरिया अपन बड़ा करेंगे छोटा करेंगे, एरिया जो है क्वाइल का बड़ा करेंगे छोटा करेंगे, समझ गए? बिल्कुल जैसे मेरे घर में वो रेलिंग लगी हुई, डोर लगा हुआ ना, बिल्कुल उसी तरीके का एक स्लाइड ले रहे हैं, उसको आगे पीछे खसकाएंगे, देखो अभी समझ में आएगा। तो पहली हेडिंग लाइन पढ़ देता हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन फाई कैन बी चेंज बाई चेंज इन बाई चेंजिंग द एरिया ऑफ द लूप ए विच इज एक्टेड अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड हैंस ई एम एफ कैन बी इंड्यूज इन द सर्किट। मतलब क्या कह रहा है, वही तरीका है कि ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस आ रही हैं और इसमें आपने क्या कर रहा है, एक लूप बिठा रखा है, देखो ये लूप है। अगर इसको छोटा कर दोगे, ये ऊपर वाली खींच दो, ये थ्रेड को ऊपर से खींच दो, तो एरिया छोटा हो जाएगा, और छोड़ दोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो एरिया बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो ई एम एफ क्रिएट होगा। कौन सा फार्मूला लगेगा याद करो, इज इक्वल टू माइनस एन बाहर बी बाहर कॉस थीटा बाहर, तो अंदर कौन, डी ए बाई डी टी। बस यही कंसेप्ट है, सब कुछ इसी कंसेप्ट पे होगा। आ जाओ अब प्रैक्टिकल सिचुएशन को महसूस करो। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड जोरदार तरीके से एंट्री हुई मैग्नेटिक फील्ड की, अंदर की तरफ जाता हुआ आपके मोबाइल की तरफ, अंदर खूब सारे मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं पेनेट्रेट करते हुए, जी हाँ फोड़ते हुए स्क्रीन को अंदर की तरफ। इस पर एक रेक्टेंगुलर क्वाइल ले ली। अब इस रेक्टेंगुलर क्वाइल को आप धक्का मार के, जैसे मेरा स्लाइडर वाला गेट को अंदर से बाहर बंद करते हो ना, ऐसे ही इस क्वाइल को देखो बच्चों, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर अपनी उंगलियों से पकड़ो और अंदर की ओर धक्का मारेंगे अभी अपन, ये देखो इधर की ओर। तो जैसे धक्का मारेंगे, अभी इसका एरिया मान लो ये यहाँ था, तो ये पूरा बाहर था। अब जैसे ही धक्का मारोगे तो ये फ्लक्स जो है इसके अंदर आता जाएगा, ये जो आ रहे हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस खड़खड़ 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 खड़ करके, ये भाले जो अंदर जा रहे हैं ये इसके अंदर आते जाएंगे, बोलो हाँ। मतलब इफेक्टिव जो एरिया है फ्लक्स के लिए वो बदल गया ना। चलो देखो तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है इसमें, फिर से समझिए। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाता हुआ, ये हमारे पास एक क्वाइल है बच्चों, ये क्वाइल है, क्वाइल का नाम पी क्यू आर एस। अब क्वाइल को आपको अंदर लेके जाना है, ये देखो क्वाइल की पहली पोजीशन देखो ये थी। अब क्वाइल को आप वी वेलोसिटी से अंदर लेके गए, क्वाइल को आप जो है वी वेलोसिटी से अंदर लेके चले गए, ओके वी वेलोसिटी से अंदर लेके गए, तो एरिया बदल गया। देखो ध्यान से कितना एरिया बदला, इतना एरिया बदला है। यस। तो अब देखिए एक बार फिर शुरुआत में देखिए, क्वाइल की पहली पहली पोजीशन क्या है, क्वाइल की पहली पोजीशन है पी क्यू आर एस। क्वाइल की पहली पोजीशन अच्छे से देख लो, पी क्यू आर एस। अब जब आप इसको धक्का दोगे तो ये वाली लिम्ब जो है क्यू आर की, मैं बात कर रहा हूँ क्यू आर लिम्ब की बात कर रहा हूँ, देखो जहाँ समझ में ना आए तुरंत बोलना बच्चों। क्यू आर वाली जो लिम्ब है ये और अंदर चली जाएगी, और ये जो पी एस वाली लिम्ब है ये और अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम इसको कितनी वेलोसिटी से अंदर लेके जा रहे हैं, वी वेलोसिटी से, बोलो हाँ हाँ। इसको हम वी वेलोसिटी से अंदर लेकर के जा रहे हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान दो कि वी वेलोसिटी से अगर तुमने इसको टाइम टी तक के लिए घसीटा है, टाइम टी तक के लिए, तो आपको पता होगा कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपकी स्पीड कितनी है वी, और आपने टाइम कितना दिया टी, तो डिस्टेंस कितनी होगी वी डी इज इक्वल टू वी इंटू टी, होगी कि नहीं होगी। मतलब यदि आप वी वेलोसिटी टाइम टी तक के लिए इसको अंदर लेके जाते हैं तो इसकी कितनी डिस्टेंस अंदर गई होगी, वी इंटू टी, या टाइम आपका डी टी है तो वी इंटू डी टी डिस्टेंस अंदर गई होगी। यशराज जय, ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। या इसको ऐसा लिखना चाहो, वी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, तो डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी डी टी। मतलब इतना लेंथ ये अंदर चला जाएगा क्योंकि आपके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की भाषा में इतनी लेंथ अंदर चली जाएगी। चलो तो अभी फिर क्वाइल बाहर थी, क्वाइल को अंदर लेकर के गए, ये देखो भाई नई वाली क्वाइल अंदर पहुंच गई, ओके नई वाली क्वाइल अंदर पहुंच गई है। और क्वाइल कि अब जो पोजीशन है
वो कॉइल की जो, देखिए दो सीन यहाँ पे छिपे हुए हैं कि कॉइल की जो पोजीशन थी वो पी डैश क्यू डैश से लेके आर डैश एस डैश हो गई, बीच में कहीं पर कॉइल की पोजीशन क्या हो गई थी, पी डैश क्यू डैश आर डैश और एस डैश कॉइल की पोजीशन हो गई बीच में कहीं पर, ठीक है ना। फिर और अंदर ले गए तो कॉइल एक्सट्रीमली यहाँ पे आ गई कोने पे, ठीक है ना। फिर आप चाहो तो उसको पी डबल डैश क्यू डबल डैश आर डबल डैश एस डबल डैश लिख सकते हो, खैर उसका कोई यूज़ नहीं है। ये देखिए बच्चों अब क्या हो रहा है, कॉइल का हमें एरिया निकालना है, चेंज इन एरिया, कॉइल का हमें चेंज इन एरिया निकालना है। क्यों निकालना है चेंज इन एरिया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला, मैंने आपको क्या पढ़ाया, चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस एन नंबर ऑफ टर्न्स एन, और बाहर कौन था, बी बाहर, कॉस थीटा बाहर, और केवल अंदर फंसा है डी ए बाई डी टी। तो हमें चेंज इन एरिया निकालना है, हमें क्या निकालना है, चेंज इन एरिया। तो चलिए चेंज इन एरिया निकालते हैं। तो अब क्वाइल को वी वेलोसिटी से जब आप अंदर लेकर के आए हो, तो यदि यहाँ से लेके क्वाइल यहाँ तक का एरिया जो चेंज हो रहा है टी टाइम तक का इतना है डी ए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ टी टाइम तक की कितनी हो जाएगी, वी डी टी हो जाएगी। बोलो, अभी बताया ना मैंने वी डी टी, ये हो गई वी डी टी, ये हो गई लेंथ, इंतु ब्रेथ तो कॉमन है यार, इसको एल ले लिया है तो ब्रेथ तो कॉमन है, ब्रेथ क्या है, कॉमन है। तो हमको चेंज इन एरिया निकालना है, देखो ध्यान से, तो चेंज इन एरिया डी ए इज इक्वल टू लेंथ डी एस, चेंज इन लेंथ कितनी, वी डी टी, बोलो हाँ, इंटू एल, इंटू कितना एल, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ से डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए, डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए, ओके, बी इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए अपने पास बी इंटू एल इंटू वी डी टी, इसको त्यागो आप मेरे वाले में हो, डायरेक्टली मैंने जो तरीका बताया आपको, E इज इक्वल टू, समझो भाई वो सब कुछ बता रहा हूँ मैं, E इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स n समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड B समझ लो। अब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू देखो, कॉस थीटा यहाँ पे कितना है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है क्वाइल के अंदर जा रहा है, हाँ या ना, और थीटा किसके साथ होता है, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया था, थीटा जो होता है वो क्वाइल के प्लेन के साथ, प्लेन के के साथ एंगल हुआ करता है, क्वाइल के नॉर्मल के साथ एंगल हुआ करता है। तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में अंदर फ्लक्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसका क्या है, नॉर्मल है, तो थीटा इक्वल टू कितने डिग्री होगा, जीरो डिग्री, तो यहाँ पे कॉस जीरो कर दो, इंटू डी ए बाई डी टी, बस डी बाई डी टी अलग रखो, अब बच्चों डी ए कर दो बस, डी ए, डी ए इक्वल टू कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी निकली है, वी डी टी निकली कि नहीं निकली, सर। और ब्रेथ कितनी दी गई है, एल, क्वाइल की जो ब्रेथ दी गई वो कितनी दी गई है, एल, तो एल, देखो ध्यान से, डी टी से डी टी कैंसिल, ओके, तो क्या बन गया, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, या एक काम ऐसा करो, डी टी से डी टी मत कैंसिल करो, और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर लो, एक मिनट बच्चों जी, डी बाई डी टी वी डी टी इंटू एल, सेकेंड, और अच्छा करो जिससे समझ में आ जाएगा, इंटू एल क्यों किया, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बोलो हाँ, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हमको निकालना है चेंज इन एरिया, तो अपने पास जो लेंथ बन रही है, चेंज इन एरिया इक्वल टू यानी डी बाई डी टी हमको निकालना है, डी ए बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी इंटू कितना, बी, डी एल बाई डी टी इंटू बी, समझ गए ना, डीएल मतलब, डीएल मतलब चेंज इन लेंथ कितनी हुई है, वी डी टी, ये देखो चेंज इन जो लेंथ बनी है वो क्या बनी है, वी डी टी अपॉन डी टी इंटू बी, डी टी से डी टी क्या हो गया, कैंसिल, तो ये अपने पास डी ए बाई डी टी जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, अपने पास वो आ रहा है वी इंटू बी, तो कितना हो जाएगा ये, एन इंटू बी इंटू वी और इंटू एल, तो ये बी भी एल आ जाएगा। अब मैं इसको एक बार फिर से करा देता हूँ यार, थोड़ा सा अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से फिर से करा रहा हूँ इसको। देखिए हमें करना क्या है बच्चों,
हमें टोटल निकालना है, हमें निकालना है फ्लक्स कितना होता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू होती है बी डॉट ए। प्लीज समझना अच्छे से, फिर से शुरू से बता रहा हूँ। फ्लक्स की वैल्यू होती बी डॉट ए, तो फ्लक्स की वैल्यू होती फाई इज इक्वल टू बी का मॉड ए का मॉड कॉस ऑफ थीटा। यार यहाँ पे जीरो डिग्री है, क्यों जीरो डिग्री है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही चैप्टर में, नॉर्मल की डायरेक्शन ऊपर नॉर्मल है और नीचे अपना फ्लक्स भग रहा है, तो थीटा जीरो डिग्री काउंट कर लो या 180 डिग्री काउंट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस की वैल्यू यहाँ पे जीरो रख दी, तो कॉस जीरो कितना होता है वन, तो फाइ इज इक्वल टू हो गया कितना बी इंटू ए। हाँ अंदर से बाहर निकाल दो, ऐसा कर दो, या यहाँ माइनस वन डालोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप देखो, अगर आप इसके पीछे लग रहे हो तो कहोगे सर फ्लक्स तो आपका अंदर की तरफ जा रहा है और एरिया वेक्टर तो हमारा बाहर की तरफ हमेशा निकलता है, तो कितने डिग्री आएगा कॉस 180, तो कितना आएगा कॉस 180, तो ज़्यादा ज़्यादा माइनस आ जाएगा, ले रख लो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको माइनस रख लो क्योंकि वो माइनस बाद में कैंसिल हो जाएगा। अभी देखना भाई ई का फॉर्मूला लगाऊंगा। चलो ये हो गया, चलो चलो ठीक है, इतना आ गया समझ में ना। अब चलिए क्या निकाल लीजिए, डी फाई बाई डी टी इक्वल टू, डी फाई बाई डी टी निकालो भाई, माइनस बी बाहर हो गया, अंदर कौन बचा डी ए बाई डी टी, बोलो या सॉ नो, अंदर बच गया डी ए बाई डी टी। अब आ जाओ फॉर्मूले, ई इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का एन, माइनस का एन और डी फाई बाई डी टी, यही तो होता है ई की वैल्यू, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो ई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एन और डी फाई बाई डी टी की वैल्यू रख दो कितनी, क्या दिक्कत है यार, ये पहले ही फॉर्मूला कह दो, नहीं समझ में आया, ई का पहला फॉर्मूला जो कराया है आज वो यही आया है, फिर भूल गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ई एम एफ इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, याद करो लेंज लॉ, और जब एन फेरे होंगे तो कितना आ जाएगा एन गुना, यही तो था पहला फॉर्मूला आज का, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब डी फाई बाई डी टी की वैल्यू रख दो, ये वाली क्या है बोलो, माइनस बी इंटू डी ए बाई डी टी। अब रुकना आराम आराम से देखना, माइनस से माइनस कैंसिल, वही जो मैं कह रहा था माइनस कैंसिल हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या बन गया, ई इज इक्वल टू एन इंटू बी इंटू डी बाई डी टी इंटू एरिया, बोलो हाँ। अब समझना ध्यान से, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो भाई ये अंदर मान लो एल लेंथ घुसे आया, ये अंदर जो है रुक जाओ एल इंटू ब्रेथ। अब रुक जाओ एक मिनट, थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्यों, क्योंकि ब्रेथ को मैंने इस क्वेश्चन में एल मान लिया है, क्या मान लिया ब्रेथ को एल मान लिया, तो ब्रेथ को मैंने एल ले लिया और जो लेंथ है वो वेरी हो रही है, क्योंकि ये लेंथ वेरी हो रही है, तो एक काम करो इसको एक्स मान लो, क्या मान लो एक्स मान लो, तो एक काम करो एल इंटू एक्स कर लो, ठीक है। अब ई इज इक्वल टू एन इंटू बी, अच्छा ये बताओ दोनों में कांस्टेंट कौन है, एल कांस्टेंट है कि एक्स कांस्टेंट है, वेरी एक्स हो रहा, मतलब एल कांस्टेंट है तो एल को बाहर ले लो, और अभी यहाँ क्या बच गया डी एक्स बाई डी टी। अब खुद से मन से कि डी एक्स बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, बस खत्म डेरिवेशन, आ गया आंसर। तो ई इज इक्वल एन इंटू बी इंटू एल इंटू वी, यही ई एम एफ। तो अगर एन फेरे हैं तो एन लगाओ, ज्यादातर रेक्टेंगुलर क्वाइल में एक क्वाइल ही होती, तो आपको बुक्स में मिलेगा सीधे सीधे बी एल वी, तो ई एम एफ इक्वल टू बी एल वी। अगर एक फेरे हैं, अगर एन एन टर्न्स हैं तो एन लगा दो। चलो नोट करो एक बार मेरे साथ, चलो जल्दी से नोट करो। हाँ जिन बच्चों को नहीं भी बना है पूछे, नंबर ऑफ टर्न्स, अरे इस क्वाइल के ऊपर लपेटते जाओ, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन एन लाइन। चलो मेरे साथ नोट करो बच्चों, लिखो फाइ इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये डेरिवेशन मैंने इसमें ऐसा नहीं किया, ये मैंने आपको और सिंपल करके बता दिया है बुकलेट में थोड़ा अलग तरीके से, तो इसको नोट कर लो, लिखो फाइ इज इक्वल टू बी डॉट ए। जय समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। कर लेना अच्छे से, मतलब अब तो खैर ऑब्जेक्टिव है तो आपसे सीधे आपका काम इससे चलेगा, ये सब गया तेल, इससे कोई काम का नहीं है ये, अब तो ऑब्जेक्टिव में सीधे आपको ये रट के जाना कि बी एल वी होता है, क्यों होता है नहीं पता, चलो नहीं कोई दिक्कत नहीं, लिखो फाइ इक्वल टू बी डॉट ए। तो फाइ इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा 180 डिग्री है यहाँ पे, तो मैंने cos 180 माइनस कर दिया, क्यों 180 डिग्री है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भग रहा अंदर और ये देखो ये एरिया आ रहा बाहर, एरिया बाहर का होता है, जैसे आपकी कॉपी रखी है ना सामने की तरफ, तो उसका एरिया बाहर आएगा, तो दोनों के बीच का एंगल cos थीटा 180 डिग्री है,
तो कॉस 180 होता माइनस वन, तो लिखो फाई इज इक्वल टू माइनस बी इंटू ए। कॉस 180 इक्वल टू माइनस वन होने की वजह से वो माइनस बी इंटू ए कर दिया। चलो डी फाई बाई डी टी लगाओ, बी तो कांस्टेंट है उसको मत करो कुछ, सीधे एरिया बदला है, एरिया बदला आपने, तो डी ए बाई डी टी, बी डॉट डी ए बाई डी टी, ठीक है। हाँ उसको डब्बे में बंद कर दो डी फाई बाई डी टी को, बाद में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आ जाओ ई पे आ जाओ, लेंज साहब की भटकती आत्मा को सम्मान देंगे। इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, यही था लेंज लॉ, इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। देखो जिनको एन से दिक्कत हो वो एन हटा लें, वो लास्ट में लगा देंगे एन। जिनको एन प्रॉब्लम कर रहा हो कि नहीं सर हमारी कॉइल तो एक ही फेरे की है, अपमान है हमारा एन फेरे हम कैसे ले लें, तो एक कॉइल वाली फेरे है तो जो एन को हटा दें। क्यों हट जाएगी वो तो स्लाइड हो रहा है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए अगर एन हटाना हो तो हटा दें, लगाना हो तो लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो लगे रहने दो। तो इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी की वैल्यू चैंप दो यहाँ से उठा करके, माइनस बी डी ए बाई डी टी, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, एन इंटू बी डी ए बाई डी टी, एन इंटू बी डी ए बाई डी टी। अब आ जाओ भाई देखो, अब ये डाइग्राम की जरूरत पड़ेगी। देखो डाइग्राम में जो ऊपर की ब्रिथ है यार, मैंने उसको एल मान रखा है, और जो ये रैंडम डिस्टेंस अंदर आ रहा ना ये तो बदलेगी ना, तो इसको मैंने मान लिया एक्स। ये जो अंदर आ रही है उसको मैंने क्या मान लिया एक्स। तो लिखो बच्चों एन इंटू बी, और ठीक है एल इंटू एक्स, एल इंटू एक्स, एल इंटू एक्स। तो एल बाहर ले लो क्योंकि वो तो लेंथ तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, ये चौड़ाई कॉन्स्टेंट, तो एल बाहर आ गया, केवल एक्स का बचेगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, ओके डी एक्स बाई डी टी। अब जानते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डी एक्स बाई डी टी बन गया। तो डी एक्स बाई डी टी को क्या बना देंगे, वी, तो लियो वी बना दो। तो आंसर क्या आ गया, एन इंटू बी इंटू एल इंटू वी। एन हटा दो, अब फॉर वन टर्म्स लिख दो, लिख दो नीचे फॉर वन टर्न क्वाइल, एक फेरे की क्वाइल के लिए इक्वल टू आएगा बी एल वी। सो गाइज ये जो ई एम एफ है ये ड्यू टू द मोशन क्रिएट हुआ है, इसलिए इस ई एम एफ को बोलते हैं मोशनल ई एम एफ, ठीक है ना। हाँ क्वाइल के मोशन से वो स्लाइड कर रहे हैं ना अपन, जो उसकी वजह से ये क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड इट मोशनल ई एम एफ। बोलो सबने लिख लिया, इरेज कर दूँ, हर्षिता लिख लिया, हर्षिता लिख लिया, यशराज जय लिख लिया, यस यस। चलिए तो ये आपका हो गया जी मोशनल ईएमएफ, ठीक है ना। तो यस बी एल वी, ये देख लीजिए ई की वैल्यू बी एल वी। अच्छा यहाँ पर मैंने थीटा जीरो डिग्री लिया इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि थीटा जीरो ले लोगे तो आपका कॉस जीरो वन हो जाएगा, और मैंने 180 ली गया तो मेरा वी एल वी आ रहा है, तो माइनस साइन का पंगा है बस, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। गुड नाइट बच्चों, थैंक यू सर, गुड नाइट सर।